इस वीडियो में लोग डिटेल में देखेंगे टैली प्राइम में परचेज इनवॉइसेस परचेज का एंट्री कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली तीन मोड होता है, एक अकाउंटिंग मोड होता है, एक आइटम मोड होता है, आइटम इनवॉइस मोड जिसको बोलते हैं, एक वाउचर मोड होता है। तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट क्या मतलब है, चलिए हम लोग टैली से समझते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर परचेज एंट्री लेना है, सबसे पहले अगर डैशबोर्ड में है तो आपको वी प्रेस करना है, या वाउचर्स में जाके यहाँ से आपको ये वाउचर्स में अंदर जाना है, ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ आने के बाद आपको F9 करना है। क्या करना है? F9 फंक्शनल की के 9 दबाना, मतलब 9 प्रेस करना है, तो अब परचेज वाउचर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको तीन मोड मिलेगा। देखिए यहाँ पे है ना, चेंज मोड है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये चेंज मोड जो है ना, यहाँ पे आपको तीन मोड देता है। क्या देता है? तीन मोड देता है उसका। इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एच प्रेस करना होगा। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आपको तीन सेपरेट सेपरेट जो है वो मोड दिया हुआ है, एक आइटम इनवॉइस मोड दिया हुआ है, एक अकाउंटिंग मोड दिया हुआ है, एक वाउचर मोड दिया हुआ है। तो हम डिटेल में बताते हैं कि इनवॉइस मोड का कहाँ जरूरत है, अकाउंटिंग मोड कैसे क्या है, और वाउचर मोड क्या है, समझिएगा। देखिए आइटम इनवॉइस मोड क्या हो गया कि अगर सपोज करिए आप किसी भी इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई आइटम खरीद रहे हैं, आइटम बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप जब परचेज लीजिएगा तो आपका आइटम, सपोज करिए अगर आप मिल्क 5 लीटर परचेज किए, तो आपका आइटम है ना वो अकाउंटिंग में नहीं जाएगा, वो आइटम इनवॉइस मोड में जाएगा। और आइटम इनवॉइस मोड में आप 5 लीटर्स किए तो आपका स्टॉक 5 लीटर से बढ़ जाएगा, 2 लीटर बेच दिए स्टॉक 2 लीटर से घट जाएगा। तो ये यूसेज होता है आइटम इनवॉइस मोड का, कि जो भी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाह रहे हैं उस इन्वेंट्री को अगर आपको डिटेल में रखना है तो आप उसको किस चीज में एंट्री लीजिएगा, आइटम इनवॉइस मोड में लीजिएगा। अदरवाइज अब सपोज करिए कि कोई वैसा आपका फिक्स एसेट्स है ना, वो फिक्स एसेट्स है, वो आपका स्टॉक नहीं है, उसको आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंटिंग मोड में एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका आइटम वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे लेजर चूज करने का ऑप्शन आएगा। आइटम इनवॉइस मोड में आपको आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आप लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। और वाउचर्स क्या हो गया, वाउचर्स डायरेक्टली जैसे हम लोग सिंपली 11th में एंट्री पास करते थे डेबिट क्रेडिट, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे राम परचेज फर्नीचर, ठीक है, तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो डेबिट हो जाएगा आपका फर्नीचर, क्रेडिट हो जाएगा ये, तो इस तरह से आपका जो एंट्री बनता है वो एज वाउचर मोड में होता है। तो चलिए हम लोग के पास एक इनवॉइस है, उसका एक एंट्री करके देखते हैं हम लोग, है ना। ये मेरे सामने इनवॉइस है, ये एक LED टीवी है। पहला इसी इनवॉइस को दो तरीका से लेंगे, एक है सपोज करिए कि हम लोग जो ये इनवॉइस में टीवी है, ये टेलीविजन क्या है कि हम लोग स्टॉक के रूप में खरीद रहे हैं, मतलब एक स्टॉक लाएंगे और फिर बेचेंगे, तो इसको किस चीज में लेंगे हम लोग एंट्री, एज एन आइटम मोड, ठीक है, आइटम इनवॉइस मोड। तो हम लोग को कहाँ जाना है, आइटम इनवॉइस मोड में सेलेक्ट करना है, ये चीज आ जाएगा। आपको क्या डालना है वहाँ पे, डेट सेलेक्ट करना है, ये एजुकेशन मोड है इसलिए हम लोग डेट चेंज नहीं कर सकते, तो चलिए कोई इशू नहीं है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग को यहाँ क्या करना है कि इनवॉइस डिटेल्स में इनवॉइस नंबर उठाना है, ठीक है, इनवॉइस नंबर जो भी है यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर उठाइए, कॉपी करिए और यहाँ पे इनवॉइस नंबर पेस्ट करिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पार्टी कौन सा है, तो पार्टी यहाँ पे देखिए डॉनटेक जो है ये इसका लेजर बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स देख लिए हम लोग, ये इसका परचेज, यहाँ पे परचेज लेजर आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे परचेज लेजर चूज कर लेना, आइटम बनाना, आइटम है नहीं, एलजी का आइटम चूज करना है, नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, ऑल्ट सी करिएगा, ऑल्ट सी करने के बाद आप यहाँ पे LG 108 सेंटीमीटर या जो भी आपका आइटम है वो रख लीजिए आप यहाँ पे, और आपको क्या करना है, ये चीज़ करके आप यहाँ पे आपका LED टीवी है और ये नंबर्स में जाता है, एप्लीकेबल रहने दीजिएगा GST, और यहाँ पे यस करिएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या करना है कि क्वांटिटी देखना है, कितने पीस क्वांटिटी है, तो एक पीस क्वांटिटी है ना, रेट कितना है, देखिए यहाँ पे रेट कितना है, 22640.62 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रेट आ गया मेरा एक नंबर, और यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, एक एंट्री नीचे करके और यहाँ पे IGST प्रेस कर लें, क्योंकि हम लोग को IGST, देखिए यहाँ पे IGST चूज कर लिए, तो 6339.38 वही चीज़ आ गया मेरा। अब यहाँ पे हम लोग को अगर राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का हम लोग को लेजर नहीं है, तो हम लोग राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट कर लेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे ROUND राउंड ऑफ क्रिएट करिए, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाता है इसको, इन राउंड ऑफ को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना इनवॉइस राउंडिंग में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल राउंडिंग 1, और इस तरह से हम लोग यस करिए, और यहाँ पे देखिए 28980
28980, ये मेरा इनवॉइस मिल गया। अब अगर सपोज करिए इस इनवॉइस को अगर हम सेव कर देते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये मेरा इन्वेंट्री बढ़ाएगा। हम लोग है ना स्टॉक में जाइएगा तो आपको एक पीस दिखेगा, है ना, देखिए यहाँ पे एक पीस दिखने लगा ना, ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी को अगर देखिए कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा, कहाँ दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग आइटम मोड में एंट्री लेते हैं। अगर 10 आइटम है तो वहाँ से हम लोग को 10वां आइटम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ नेम ऑफ आइटम अगर रहा तो इसका मतलब है कि आप आइटम मोड में इनवॉइस ले रहे हैं, इनवॉइस का एंट्री ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग मोड में, चेंज मोड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, और कंट्रोल एज प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग मोड में जाएंगे और ये आ जाएंगे। अब सपोज करिए वही टीवी हम लोग का स्टॉक में नहीं, वो मेरा फिक्स एसेट्स है। लेट सपोज कि बिजनेस का नेचर अलग है, वो जो पर्सनल यूज के लिए लाया और उसको क्या कर रहा है वो फिक्स एसेट्स, ठीक है, उस चीज के लिए ला रहा है, तो उसके लिए हम लोग को उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उस टीवी जो है, उस टीवी मेरा एसेट है, रू एसेट है, तो उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ना कि आइटम, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे इनवॉइस नंबर ले लेंगे, पार्टी का नेम ले लेंगे, डाउन टेक जो भी है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, किसका, एल जी टीवी, है ना, एल जी 108 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है, क्या है, फिक्स एसेट्स है ना। तो आप यहाँ फिक्स एसेट चूज कर लिए, आप फिक्स एसेट्स का जो भी कैटेगरी होगा उसके अनुसार से ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जीएसटी डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, लेता है ये आपका गुड्स हो जाएगा, यहाँ पे सेव कर ली। यहाँ पे अब हम लोग का टोटल अमाउंट डाल दीजिए, अब डायरेक्ट क्या करिए आप, अमाउंट डालिए यहाँ पे, तो कौन सा अमाउंट, तो यहाँ पे 22604022 इस तरह से। और आपको क्या करना है, IGST सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आइटम नहीं है। अब देखिए अगर हम अगर यहाँ पे अब दूसरा राउंड ऑफ सेलेक्ट कर लेना है आपको, ये हो गया मेरा इनवॉइस वैल्यू। अब ये कहाँ हिट करेगा, ये अकाउंटिंग मोड में इस तरह से, ये कहाँ हिट करेगा, या तो ये बैलेंस शीट में हिट करेगा आपका, फिक्स एसेट्स में, देखिए है ना, फिक्स एसेट्स में आपका 180 डेज ये आ गया। मतलब कि अगर सपोज करिए कोई भी आपका लेजर है, लेजर से एंट्री करना है, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका फिक्स एसेट्स है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस में कुछ ऐसा हो जाए कि जो प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट है उसका कोई एक्सपेंस हो जाए, सर्विस चार्ज, ठीक है, उसमें तो आइटम है नहीं, सिर्फ इनवॉइस आया है, सर्विस चार्ज, तो उस केस में आपको कहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग मोड में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ढूंढते रहिए इन्वेंटरी मोड कहाँ है और आइटम नहीं आ रहा है, नहीं सेलेक्ट, ऐसा बहुत केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे दो तरीका, कि एक आइटम अगर सपोज करिए इस इनवॉइस को दो तरीके से, ऐसा नहीं कि एक इनवॉइस आया दोनों चीज़ ले रही है, नहीं, पहला क्या, अगर आप समझना है नेचर कि आपको आइटम इन्वेंटरी मेंटेन करना है तो आपको आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री लेना है। अगर आपको इसका एसेट में मेंटेन करना है या तो फिर कोई लेजर में आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट है तो उसको उस हेड से क्रिएट करना पड़ेगा लेजर, और अकाउंटिंग मोड से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक सिंपल सा क्या है, एक मेरा सिंपल सा बच गया वॉचर मोड, है ना, तो इसके लिए कंट्रोल एच करेंगे और वॉचर मोड में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेबिट आ गया, ठीक है। अब सपोज करिए कि वही अगर हम टीवी खरीदें तो सिर्फ यहाँ पे इस तरह से इस सिंपल सा टोटल हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पे हम लोग कर सकते थे कि क्या कर सकते थे, एंट्री पास करना है, ठीक है। जैसे टीवी खरीदे तो इसी को हम लोग एलजी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी पार्टी को जैसे इससे खरीद रहे हैं तो यहाँ पे एज ए जर्नल हम लोग पास कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कुछ भी जो भी है, यहाँ पे हम लोग उसका पूरा अमाउंट के साथ, जैसे सपोज करिए 25,000 का कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से परचेज कर लिए, क्या परचेज किए कुछ भी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे परचेज इनवॉइस को समझे कि कैसे एंट्री लिया जाता है, और तीनों मोड को हम लोग डिस्कस किए, कौन सा, एक अकाउंटिंग मोड हो गया, इन्वेंट्री इनवॉइस मोड हो गया, और आपका एक वॉचर मोड हो गया। तो यहाँ तक ये पूरा डिटेल डिस्कशन था परचेज इनवॉइस का। थैंक यू।